उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में चैत्र मास मेलों के साथ साथ नवरात्र शुरू होने पर रौनक और बढ़ गई है और मेलों के दौरान 24 घंटे बाबा बालकनाथ का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला रखा जा रहा है ताकि किसी भी समय भक्तजन आकर बाबा के दरबार में माथा टेक सकें। मंदिर के महंत राजेंद्र गिरिजी महाराज ने चैत्र मास मेलों की शुभकामनाएं दी और कहा है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा बालकनाथ की पूजा करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आपको बता दें कि घंटों लाइन में लगकर बाबा के दरबार में माथा टेकने के लिए श्रद्धालु इंतजार कर माथा टेक रहे हैं तो मंदिर महंत राजेंद्र गिरी महाराज से भी आशीर्वाद लेकर घर वापस लौट रहे हैं। मंदिर महंत राजेंद्र गिरी जी महाराज ने कहा कि चैत्र मास बाबा बालकनाथ का प्रमुख महीना माना जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाबा जी का अवतार हुआ था जिसके चलते चैत्र नवरात्र में बाबा की सच्चे मन से पूजा करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। सबसे पहले तो सभी बाबा जी के भक्तों को एवं प्रदेशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं चैत्र मास नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का शुभ आशीर्वाद, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी महाराज जी हम वो कलयुग में अवतार हैं और कलयुग में बाबा बालकनाथ जी को वरदान है कि आपकी हर घर में महिमा होगी, भोलेनाथ जी का वरदान है, तो समय अनुसार जो है वो फलीभूत हो रहा है। और चैत्र मास जो है बाबा जी का प्रमुख जो है मास माना गया है कि चैत्र मास में बाबा जी का मेला लगता है, एक मास का मेला होता है और ऐसी पौराणिक मान्यता है, परंपरा अनुसार चली आ रही है कि चैत्र मास में बाबा बालकनाथ जी का जो है वो अवतार हुआ था, जन्म हुआ था, जन्मोत्सव हुआ था। तो जो चैत्र के नवरात्रे हैं, जैसा कि माता के जो नवरात्रे होते हैं उतना ही फल चैत्र के नवरात्रों में और चैत्र मास का है, और जितना कि शंकर भोलेनाथ जी का जो है श्रावण मास आता है उसमें उसका जितना महत्व है उतना ही महत्व जो है चैत्र मास का माना गया, क्योंकि इसमें जप तप पुण्य दान आदि करने का जो है लाखों करोड़ों गुणा लाभ होता है। जो प्राणी अगर पूरा साल भर पूजा पाठ नियम विधि पूर्व नहीं कर पाता है, अगर चैत्र मास में एक महीना भी बाबा जी का जो है धूप दीप ज्योत और पवित्रता पूर्वक भाव से मांगें और बाबा जी को माने तो उसको एक साल का लाभ जो है पूजा पाठ का नियम का जो एक महीने में प्राप्त हो जाता है। और बाबा जी को वरदान है कि कलयुग में जितनी विभिन्न तरह की समस्याएं हैं, रोग दोष भय आदि विकार जितने भी समस्याएं हैं, उनके दर्शन करने मात्र से, बाबा जी के धोने की विभूति मस्तिष्क में लगाने मात्र से जो है उन चीज़ों का नाश होता है। और हर तरह की धन दौलत ऐश्वर्य आदि जितनी भी संपदाएं हैं प्रकृति में, जो भी आप चाहते हैं, औलाद सुख चाहते हैं, तो बाबा जी को मानने से, उनके दर्शन करने से हर तरह की धन दौलत की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके लिए हमारा भाव और विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो बाबा बालकनाथ जी को माने, आप सभी आजकल चैत्र मास चला हुआ है इसमें आए, लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, 24 घंटे मंदिर आपकी सुविधा के लिए खुला है, तो आए दर्शन लाभ करें और अपने मन की जो भी मुरादें हैं बाबा जी से मांगें और बाबा बालकनाथ जी महाराज हर कामना पूर्ण करें, यही बाबा जी से विनती अरदास, और आगे दर्शन लाभ करके अपना जीवन जो है वो सफल बनाएं। तो सभी को फिर से यहाँ बाबा जी के दरबार आने के लिए आमंत्रण, आए और जय बाबा बालकनाथ जी। हमारे यहाँ मंदिर न्यास द्वारा जो भी सुविधा हैं दी जा रही हैं, क्यों हमारा जो लंगर जो है वो कई सालों से चल रहा है, लेकिन उसमें यात्रियों को थोड़ा खाने रहने की जो दिक्कतें आ रही हैं, तो उसमें सबसे ज़रूरी तो यह है कि जहाँ भी भक्तजनों से भी मेरी भी अपील है, अगर व्यवस्था बनाने के लिए अगर कुछ सुधार हो रहे हैं, कुछ चेंजेस ला रहे हैं, तो जहाँ आपको प्रशासन भी परमिशन देता, आप उस तरीके से उस जगह पर अपना जो है लंगर
की जो व्यवस्था कर लें। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, ऐसी कोई रोक नहीं है कि आपने ये चीज़ नहीं करने, लेकिन कुछ स्थान बताए जा रहे हैं कि यहाँ यहाँ कर सकते हैं, तो आप प्रशासन का भी सहयोग करें, मंदिर की व्यवस्था भी बनी रहेगी, सफाई व्यवस्था भी बनी रहेगी। तो इसके लिए जो है सभी का, भक्तजनों को सबसे पहले खुद को ही जागरूक होना पड़ेगा, खुद जागरूक होंगे साथ में व्यवस्था का भी सहयोग रहेगा तो सबसे अच्छा है। उससे अच्छा है अभी शांतिपूर्वक सारी व्यवस्था भी बनी रहती है, सभी को भोजन अन्न जल सारी सुविधा भी मिलती रहती हैं। आपको बता दें कि बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध में हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के अलावा बाहरी देशों से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचते हैं। बाबा के दरबार पंजाब से आए हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि हर साल बाबा के दरबार में आते हैं और बाबा के दरबार में आकर हर मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा बालकनाथ मंदिर आए हैं, क्या मान्यता है मंदिर की, कब आते हैं आप मंदिर? हमारे को 50 साल हो गए आते हुए। क्या मान्यता है मंदिर की? मांगते जो 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 जैसे मांगते सबको मिल जाता हमारे। और चैत्र मास मेले में क्या मुख्यता, क्या मान्यता है जो मानते हैं इसमें? चैत्र महीने में इसका मेला लगता है ना, चैत्र महीने में ज़्यादा रश होता है। हर साल आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हर साल आते हैं सर। क्या मान्यता है मंदिर की, क्या मानते हैं? मान्यता बड़ी अच्छा है मंदिर, बाबा सारी मुरादें पूरी करते हैं। हाँ जी, पूरी मुरादें सारी पूरी करते हैं बाबा जी। हर बार आते हैं? हर बार। क्या मान्यता है? बस जो मांगना था मांग लिया, हो गया पूरा। सर से अमृतसर से। हर साल आते हो मंदिर? आज ही आए हैं। पहली बार आए हैं? कैसा लगा मंदिर आपको? बहुत बढ़िया लगा। क्या मानते हैं बाबा की? बहुत अच्छा है।